the year 24-25. माली साल 2024-25 के लिए इक्तिसादी तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान है। तंग हाली में आवाम का निकला दम, शहबाज फोड़ेंगे टैक्स बॉम्ब। पाकिस्तान में बढ़ेगी टैक्स की दरें, 45% तक टैक्स वसूलेंगे शहबाज। पाकिस्तान के आवाम माथा पीट रही है, आम लोगों का सिर फटा जा रहा है, नौकरी पेशा लोगों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि शहबाज शरीफ ने टैक्स बॉम्ब फोड़ने की तैयारी कर ली है। टैक्स बॉम्ब, जी हाँ, पाकिस्तान की आवाम तो टैक्स की दरों में इजाफे को एटम बम बता रही है। पहले से पाकिस्तान के आर्थिक हालात खराब पड़े हैं, आम लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं, दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है। इस बीच बजट में शरीफ सरकार ने टैक्स दरों में इजाफे की तैयारी की है। 24-25 सरकार के इस कदम को आवाम जुल्म की इंतहा बता रही है। पाकिस्तान सरकार को आवाम पर टैक्स का बोझ क्यों डालना पड़ रहा है, अब ये समझिए। दरअसल पाकिस्तान ने IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लिया हुआ है और पाकिस्तान को नए कर्जों की दरकार है, इसलिए IMF ने पाकिस्तान को टैक्स दरें बढ़ाकर कर्ज वापसी का सुझाव दिया है। IMF का प्लान कहता है कि मासिक 4,67,000 कमाई करने वाले पाकिस्तानियों से 45% टैक्स वसूला जाए। अभी तक पाकिस्तान में 5 लाख तक की आय पर 35% टैक्स लगाया जाता है। कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र की वस्तुओं पर भी 18% सेल्स टैक्स लगाने का सुझाव दिया गया है। हालांकि अभी पाकिस्तान सरकार और IMF के बीच इस पर कोई सहमति नहीं बनी है। पाकिस्तान तो एक लिमिट के बाद मिलने वाली पेंशन तक पर टैक्स लगाने की तैयारी में है। अगर पाकिस्तान IMF की शर्तों को मानते हुए टैक्स की दर बढ़ा देता है तो पहले से परेशान पाकिस्तानियों को जीना मुश्किल हो जाएगा। पिछले वित्त वर्ष में पाकिस्तान को 86 अरब पाकिस्तानी रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स मिला था, जो कि डायरेक्ट टैक्स से करीब 280% कम रहा। ऐसे में सैलरीड लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाकर शरीफ सरकार अपनी कमाई तो बढ़ा लेगी, लेकिन आवाम की नाराजगी का उसे सामना करना पड़ेगा। अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। इसी बजट में पाकिस्तान सरकार ने अपने रक्षा बजट में 318 अरब रुपए का इजाफा किया है और इसका बोझ अब जनता पर डाला जा रहा है, जिससे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee मीडिया। Zee News.